यहाँ पर बिजली का घर क्यों उठ के गया? जो बिजली चालू था, अगर चालू रहता तो कितने रोजगार मिलते? आप सभी युवा रोजगार में होते यहाँ पर, पूछिएगा पूछिएगा। ये हॉस्पिटल बनाता है, हॉस्पिटल कहाँ गया? कोई भी जवाब नहीं है उनके पास। तो जब उनके पास जवाब ही नहीं था, एक बात बताइए, हमारे यहाँ पर किसान बंधु बैठे होंगे, यहाँ पर जो हमारे किसान बैठे होंगे, कितने लोग आज 40 रुपए किलो आलू खरीद के खा रहे हैं? खा रहे हैं 40 रुपए आलू? अपना आलू 5 रुपए बेचे होंगे ना, जब उपजाए होंगे? आप 5 रुपए आलू उपजाते हैं और 40 रुपए किलो खाते हैं। लेकिन अगर वही कोल्ड स्टोरेज आपके क्षेत्र में होता, तो कोल्ड स्टोरेज अगर आपके क्षेत्र में होता, सर एक मिनट सर, आपसे एक बात पूछे हैं जी सर, हम आप जनता आपसे जुड़ते हैं और आप हमसे जुड़िए, और उसके बाद बाकी जो भी भ्रष्टाचार बीत रहा या हो रहा है उसको आप रोकिए, हम जनता आपके साथ हैं। अभी दाखिल खराज कराने के लिए जाते हैं तो 4000 रुपया मांग रहा है जी। मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ ना, आप मुझे स्वतंत्र विधायक बनाकर भेजिए, 10 दिन के अंदर पूरे प्रखंड से भ्रष्टाचार एक दिन 11 दिन नहीं होगा खत्म करूंगा, सिर्फ 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे गुलाम बनाने के लिए कहिएगा कि जाओ पार्टी से लेके आओ, तो यही विकास होगा जितना हो रहा है, उससे आगे हम भी तो गुलाम बन के आएंगे ना। गुलाम अपना विकास करता है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं ये बंबई से कलकत्ता से दिल्ली से लेकर पंजाब तक फ्लाइट खरीद लूंगा, लेकिन आपका कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी करने नहीं देगी ना। 70 साल में यही हुआ ना, पार्टी को पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कहां से आएगा? गरीब जनता से तो चूस के जाएगा। एक छोटा सा बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप एक कोल्ड स्टोरेज अभी आपके पास, देखिए एक किसान के पास अभी कितना पैसा आ सकता था, 5 रुपए किलो आप बेच लिए आलू, अभी 40 रुपए खरीद रहे हैं, 5 गुना महंगा खरीद रहे हैं। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज होता और 1 बीघा में अगर आलू किए होते तो 100 क्विंटल आलू होता, और 100 क्विंटल आलू को अगर आप आज 30 रुपए बेचे होते तो आज 3 लाख रुपए आपके पास होता, होता कि नहीं होता है? तो 3 लाख रुपए आप किसान के पॉकेट में होता और सीना तान के चल रहे होते, और आपका बेटा दिल्ली पंजाब में कमाने नहीं जाता, आपके बेटा दिल्ली पंजाब में पढ़ने जाता। लेकिन कोल्ड स्टोरेज कहाँ है मेरा कोल्ड स्टोरेज? अगर अभी रौदी हो जाए, पानी नहीं हो, तो एक भी ऊंचा खेत का धान होगा? एक गमरे में सूख जाते, मरहाना भजते लियो। लेकिन अगर अगर स्टेट बोरिंग होता हर गांव के अंदर, एक धान मरहाना है तो स्टेट बोरिंग कहाँ है? स्टेट बोरिंग 95-97% किसान इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, नहीं तो हमारे गांव में स्टेट बोर्डिंग है, नहीं हमारे गांव में कोल्ड स्टोरेज है, और हमारा बेटा पढ़ने के लिए, बच्ची या पढ़ने के लिए एडमिशन लेने के लिए खाजेडी या मधुबनी जाता है, हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। स्टेट बोर्डिंग से मशीन चोरी हो जाता है। अरे जब आपका बिजली घर से बिजली चोरी हो गया, सब कुछ हो गया, तो स्टेट बोर्डिंग कौन सी बड़ी बात है? सोचिए, 3 काम मेरे पैरिटी पे है। अगर आप मुझे भेजते स्वतंत्र रूप में दोनों प्रखंड के अंदर 2 कोल्ड स्टोरेज सर्वप्रथम होगा, ताकि आप 100 क्विंटल नहीं 200 क्विंटल आलू उपजाओ, प्याज उपजाओ, और सस्ता में बेचो, उसमें रखो, और जब महंगाई हो तो बेचो, आधा गुना पैसा कमाओ, 5 गुना हो जाता है 5 महीने के अंदर। और प्रत्येक गांव में स्टेट बोर्डिंग लाने की व्यवस्था, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र हो, जो छोटे मोटे बीमारी का इलाज मुफ्त में तुरंत में यहाँ पर हो, रेफर ना करना पड़े यहाँ से वहां तक, ये 4 चीज। और बच्चों को खेलने के लिए हर पंचायत के अंदर छोटा छोटा ग्राउंड की व्यवस्था, जहां पर बच्चे खेल सके, समझ गए ना? ये 4-5 चीज, इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज होगा, तो मैं बाहर के जो हमारे बच्चे से यहाँ के बाहर पटना पढ़ने जाता है, जो दिल्ली पढ़ने जाता है, वहां के इंस्टीट्यूट को यहाँ के ला के बसाऊंगा कि भाई वहां नहीं जाएगा हमारा बच्चा, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें सारे सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। और जब सोचिए, जब इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ जाएगा, 10,000 बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, तो उसको कितना रोजगार लोगों को मिल जाएगा? कोई किताब बेचेगा, कोई पेन बेचेगा, कोई कलम बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, कोई खाना बेचेगा, कोई लिट्टी बेचेगा, कोई समोसे बेचेगा, और सबके सब बेरोजगार। जो बाहर जाके 10,000 में आप ना कर करते हैं, वो खत्म होके घर में आप 50,000 कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? विधायक जो बन के पार्टी से आएगा, पार्टी के खिलाफ कभी बोलेगा विधानसभा में? पार्टी कभी बोलने देगा? नहीं बोलने देगा। तो इसलिए आप जो है अपने स्वतंत्र रूप में 5 साल तक